students, take out your cursive notebook. Today I am taking A to M letter. I already taught in previous videos A to M letter. So today I am taking together A to M letter. A to M letter. So write in your notebook. Start from first line. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
L letter. Start from third line. Little girl, go to first line and left side turn. Standing line, come down to third line and go to second line and stop. This is the cursive L letter. A, B, C, D, E, F, G, H, R, J, K, L. L after which letter coming? M letter. Which letter? M letter. Start from third line. Landing line, go to second line, come down, again go to second line, again come down to third line, again go to second line, again come down to third line and turn. This is the cursive M letter. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, R, J, K, L, M. This is the A to M cursive letter. Again, write it there. Next row. यहाँ से थर्ड लाइन शुरू करना है, टू लाइन में लिखना है कर्सिव ए लेटर, उसको वापस नीचे की तरफ उठा के और उसको वापस उसी पर से ला के और उसको थर्ड लाइन पर ले जाके और उसको सेकंड लाइन की तरफ ऊपर ले जाते हुए वापस और थर्ड लाइन की तरफ ले जाते हुए और उसको टर्न करना है. ये कर्सिव ए लेटर हो गया. कर्सिव के लेटर स्टार्ट करना है आपको थर्ड लाइन से, उसको कर्व करके ऊपर स्टैंडिंग लाइन बनाना है फर्स्ट लाइन तक, उसको पीछे से टर्न करके नीचे सीधी लाइन बनाते हुए नीचे थर्ड लाइन की तरफ ले जाना है, फिर ऊपर सेकंड लाइन की तरफ ले जाके नीचे की तरफ घुमा के और ऊपर ले जाना है. ये कौन सा लेटर है? कर्सिव बी लेटर. नेक्स्ट लेटर इज, यहाँ से स्टार्ट करना है, कर्व देना है, ऊपर की तरफ ले जाना, उसको नीचे झुकाना और उसको वापस वही लाइन पर से ला के नीचे की तरफ ले जाके सेकंड लाइन की तरफ, थर्ड लाइन की तरफ ऊपर जाके छोड़ देना है. ये कर्सिव सी लेटर. नेक्स्ट लेटर इज, स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन शुरू करना है, ऊपर की तरफ ले जाके नीचे झुकाना है और उसको वापस नीचे की तरफ लाके थर्ड लाइन की तरफ लाके और फर्स्ट लाइन की तरफ ले जाते हुए और उसी पर से चिपका के वापस लाते हुए और उसको सेकंड लाइन तरफ ले जाके टर्न करके छोड़ देना है. ये कौन सा लेटर है? डी लेटर. नेक्स्ट लेटर, छोटा सा कर्व लेना है, स्टैंडिंग लाइन सेकंड लाइन तक जाना है, उसको पीछे से टर्न करके वापस लाके थर्ड लाइन पर जाके ऊपर ले जाके छोड़ देना है. ये कौन सा लेटर है? कर्सिव एफ लेटर. नेक्स्ट लेटर इज, कर्व स्टार्ट करना है आपको थर्ड लाइन से शुरू करके स्टैंडिंग लाइन, ऊपर फर्स्ट लाइन की तरफ लाके पीछे की साइड झुका के उसको सीधी लाइन देके और सामने से मुड़ा के उसको और उसके सामने से ले जाके उसको थर्ड सेकंड लाइन की तरफ ले जाके और नीचे लाके और ऊपर ले जाना है. ये कौन सा लेटर है? कर्सिव एफ लेटर. नेक्स्ट लेटर बनता है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको थर्ड सेकंड लाइन की तरफ ले जाके नीचे झुका के और उसको वापस थर्ड लाइन की तरफ लाके और ऊपर ले जाके और उसको नीचे लाके नीचे की तरफ ले जाके ऊपर ले जाके ऐसे छोड़ देना है. ये कौन सा लेटर है? कर्सिव जी लेटर. नेक्स्ट लेटर कौन सा है? थर्ड लाइन से शुरू करना है आपको, ऊपर की तरफ ले जाना है फर्स्ट लाइन की तरफ और उसको वापस थर्ड लाइन की तरफ ले जाके और ऊपर ले जाके फर्स्ट सेकंड लाइन की तरफ वापस लाके और पीछे की तरफ टर्न करना है. ये कौन सा लेटर है? कर्सिव एच लेटर. नेक्स्ट लेटर कौन सा है? आई लेटर. तो खाली स्टार्ट करना है, छोटा सा कर्व करके स्टैंडिंग लाइन थर्ड लाइन की तरफ उसको वापस लाके टर्न करना है और ऊपर एक डॉट देना है. ये कौन सा लेटर हो गया? आई लेटर. नेक्स्ट थोड़ा सा टर्न करना है, स्टैंडिंग लाइन देना है और उसी को वापस थर्ड फोर्थ लाइन तक भी जाके ऊपर की तरफ सेकंड लाइन की तरफ भी जाके टर्न करना है और ऊपर डॉट देना. ये कौन सा लेटर हो गया? कर्सिव जे लेटर. नेक्स्ट लेटर कौन सा है? थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है. देखिए इसे स्टैंडिंग लाइन ऊपर की तरफ फर्स्ट लाइन की तरफ भी जाना है, उसी को पीछे की साइड मुड़ा के सीधी लाइन नीचे थर्ड लाइन तक लाना है, उसको सेकंड लाइन की तरफ भी जाके ओवल बनाना है, अंडे का आकार का शेप देके उसको नीचे लाके ऐसे टर्न कर देना है. ये कौन सा लेटर हो गया? कर्सिव के लेटर. नेक्स्ट कौन सा लेटर है? थर्ड लाइन स्टार्ट करना है, स्टैंडिंग लाइन को फर्स्ट लाइन पर लेके पीछे से टर्न करके सीधा नीचे तक थर्ड लाइन पर लाके सामने ऊपर लेके टर्न करना है. ये कौन सा लेटर है? कर्सिव एल लेटर. एंड नेक्स्ट लेटर इज एम.
थर्ड लाइन से शुरू करना है, ऊपर भी जाना है सेकंड लाइन, इसको इस नीचे की तरफ घुमाना है और ऊपर भी जाना है सेकंड लाइन की तरफ और थर्ड लाइन की तरफ लाना है और सेकंड लाइन की तरफ भी जाना है और थर्ड लाइन की तरफ लाना है और थोड़ा सा टर्न करना है। ये कौन सा लेटर हो गया? कर्सिव एंड फ्लेटर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यू सेम टू सेम राइट ए टू एम your remaining page. Okay, thank you, student.